जय जिनेन्द्र। टुडे इज अ मंडे जुलाई 20, 2020 एंड वी आर गैदर ओवर हियर फॉर आत्मसिद्धि क्लास। तो आज हमारा आत्मसिद्धि का क्लास है। हम अब आत्मसिद्धि की पांचवी नंबर की गाथा पर आए हैं। तो पांच नंबर की गाथा में क्या कहते हैं वो देखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्लाइड लाता हूँ। लास्ट टाइम हमने चालू किया था गाथा, तो वहां से जहां से छूट गए थे वहां से चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गाथा चार में कहा गया था कि क्रिया पक्ष को एकांत से पकड़ने वाले जीवों का वर्णन था। यहाँ पर श्रीमद जी ने पहले क्रिया पक्ष के एकांत को जो पकड़ते थे उसकी बात करने के बाद में इस पांचवी गाथा में कहते हैं, मैं ज्ञान पक्ष को एकांत से पकड़ने वाले शुष्क ज्ञानी की बात मैं करता हूँ, ऐसा श्रीमद जी यहाँ कहते हैं। शुष्क ज्ञानी जीव मात्र शास्त्र पढ़ने में और उसको चर्चा करने में और शास्त्र को मुखपाठ करने में सच्चा पुरुषार्थ मानते हैं। जैसे क्रियावादी जीव था वो शरीर की क्रिया से मानता था कि मैं धर्म करता हूँ, तो ऐसे ज्ञान पक्ष वाला भी शुष्क ज्ञान की बातें करते करते चर्चा करते करते और शास्त्र को मुखपाठ किया तो बोलता है कि मेरा सच्चा पुरुषार्थ हो गया। सम्यक समझ पूर्वक सत्साधन सेवन करके उपयोग को अंतर्मुख करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इस तरह से ऐसे जीवों को यहाँ पांचवी गाथा में श्रीमद जी चेतावनी देते हैं कि तू ख्याल रख कि तू या तो क्रिया पक्ष में या तो ज्ञान पक्ष में एकांत से चला नहीं जाना। तो अब गाथा को देखते हैं। मोक्ष छे कल्पना वाणी मरते मोहावेश शुष्क ज्ञानी देया। तो यहाँ गाथार्थ में क्या कहते हैं, बंध और मोक्ष मात्र कल्पना है ऐसा निश्चय वाक्य मात्र वचन में बोलता है। क्या कहता है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध त्रिकाली शुद्ध है, आत्मा में कोई पर्याय नहीं होती है, आत्मा में बंध नहीं होता है, आत्मा में मोक्ष की पर्याय नहीं होती है, ऐसा निश्चय वाक्य वचन में बोलता है। और ऐसी दशा तो हुई नहीं है और मोह के प्रभाव में वर्तता है। अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा की अनुभूति यानी कि सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है और अपने मोह में वो वर्तन करता रहता है। ऐसे जीवों को यहाँ शुष्क ज्ञानी कहा गया है। इस तरह से गाथा का मर्म होता है। तो शुष्क ज्ञानी किसको कहा, राग द्वेष कषाय भाव में जो रहता है और मात्र वाणी में कहता है कि आत्मा शुद्ध है, बंध मोक्ष है नहीं, इस तरह से जो बोलता रहता है, तो वो वाणी में मात्र जो बोलता रहता है उसको शुष्क अगर राग द्वेष कषाय भाव में रहते हुए शुष्क ज्ञानी कहा। अंतरंग में स्वानुभव तो है नहीं और निश्चय वाक्य से स्वचन से बोलता रहता है
अपनी मनमानी से बोलता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, बस वो ही धर्म है। अरे हाँ, तू अच्छी बात है, तू जो मानता है, तू समझता है, मगर तुझे ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा कि तू कहाँ पर फंस तो नहीं जाता रहे ना। अंतरंग में राग द्वेष ममता और संसार भरा पड़ा है और यहाँ बाहर ज्ञान की बातें करता रहता है, कोई उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कोई खाने पीने का नियंत्रण नहीं है, उसकी प्रवृत्ति में कोई नियंत्रण नहीं है, उसकी वाणी में नियंत्रण नहीं है, बस ज्ञान की बातें ही करता रहता है, उसको शुष्क ज्ञानी यहाँ पर कहा गया है। इतना हमने यहाँ पर तो हम आए थे, अभी शुष्क ज्ञानी की बात आगे बढ़ाते हैं कि वो राग द्वेष मोह में वर्तता है। देखो यहाँ तीन शब्द लिखे, राग द्वेष मोह, तीन शब्द लिखने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी डेफिनेटली, क्यों? जो मोह होता है, जो प्रथम गुण स्थानक में मोह होता है, तो ये मोह राग द्वेष के साथ होता है। मुझे ये अच्छा लगा और मुझे ये बुरा लगा, ये राग द्वेष हुआ। मगर जब मोह होता है तो ये मेरापन, अपनापन मैं यहां लगाता हूं, ये मेरा फोन है और मुझे अच्छा लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरापन, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऐसे जो मैंने अपने कोई पर द्रव्य पर लगाया है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरे पैसे है, मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, इस तरह से मेरा 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 अपनापन जहां लगता है उसको मोह कहते हैं। जब अपनापन निकल जाता है, अपनापन निकल जाता है, प्रथम गुण स्थानक से जीव आगे बढ़ता है और अभी आगे बढ़ के चतुर्थ गुण स्थानक में आया है, आत्मा की अनुभूति किया है, सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा ने अनुभूति हुई है, ऐसे जीव को मोह निकल गया है, मगर उसको अभी भूमिका अनुसार राग होता है। ये सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब कुछ क्रिया करते हैं, यानी कि राग द्वेष अपनी भूमिका के अनुसार होता है। छठे सातवें गुण स्थानक वाले भावलिंगी मुनिराज को भी छठे गुण स्थानक में आते हैं तो थोड़ा सा राग होता है कि मैं मेरे शिष्य को पढ़ा दूं या तो मैं कोई शास्त्र की रचना करूं, वो राग है, एकत्व नहीं है मगर राग है। इसलिए राग द्वेष मोह ये शब्द समझना पड़ेगा। संपूर्ण रीत से राग जाएगा दसवें गुण स्थानक पर, उसको सूक्ष्म संप्राय गुण स्थानक कहा है। सूक्ष्म संप्राय के सूक्ष्म संज्वलन लोभ कषाय फाइनली निकल जाएगा, तभी जीव संपूर्ण वितरागता प्राप्त करके बारहवें गुण स्थानक पर, क्षीण मोह गुण स्थानक पर आएगा। तो मोह जाएगा, पहले मोह जाएगा तो प्रथम गुण स्थानक से चतुर्थ गुण स्थानक आएगा, और जब राग द्वेष का कंप्लीट अंत आ जाएगा तो जीव बारहवें गुण स्थानक पर आएगा। इस तरह से राग द्वेष मोह की शब्द को हमको समझना पड़ेगा। देखो ये शब्द इतने रूटीन हो गए हैं कि हमने कभी उसके पर ध्यान नहीं दिया है, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, मगर उसका डीप मीनिंग है, वो गुण स्थानक की प्रक्रिया के अनुसार है, वो मोनीय कर्म के अनुसार है, तो वो मुझे समझना पड़ेगा। ज्ञान की बात करता है मगर मोह कषाय घटा नहीं है, ये ज्ञान की शुष्क ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान की बात करता रहता है मगर उसमें मोह कषाय का घट, मोह कषाय मंद हुआ ही नहीं है, जितना है इतना अनादिकाल से जितना मोह है वो ही चलता रहता है उसमें, वो अनुकालता में रागी। देखो ये जीव प्रथम गुण स्थानक में है तो अनुकूलता में रागी होता है, राग यानी कि मोह में राग द्वेष आ जाता है तो अनुकूलता में रागी होता है और प्रतिकूलता में द्वेषी होता है।
ये अनुकूलता में रागी, प्रतिकूलता में देशी, अकेले रागी द्वेषी तो चतुर गुण स्थानक वाले, पंचम गुण स्थानक वाले जीव को भी हम देख सकते हैं, मगर वहां पर उनका एकत्व छूट गया है। वो जीव को मालूम है कि ये मेरी अस्थिरता का राग है, मैं अपने भाव में स्थिर नहीं रह सकता हूं, इसलिए ये मेरा मेरे में राग होता है। तो ये होता है, सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती लड़ाई करने जाते हैं तो वहां राग द्वेष है, मगर अंदर से भेद ज्ञान हुआ है कि ये मेरे करने लायक वस्तु नहीं है, मगर मेरे में अस्थिरता का राग द्वेष है, भूमिका के अनुसार राग द्वेष है, वो उनको मालूम है। वहां पर मोक्ष मार्ग की पात्रता का अंश भी पाया नहीं है। मोक्ष मार्ग की पात्रता की बात आगे आएगी, बात करेंगे कि पात्रता तो तेरे में होनी चाहिए। छोटे बच्चे को हीरा दे दिया, उसको क्या मालूम कि हीरे की क्या कीमत है। वो बाहर में बैठा है तो कौवा है, तो कौवा का उड़ाने में वो हीरा फेंक देगा, पात्रता नहीं है। एक फैमिली था, फादर मर गए और बच्चा था। माँ ने बोला बच्चे को कि जाओ मेरे पास, तेरे पिताजी ने कुछ हीरे रख गए हैं, तो वो अपने अंकल, अपने जाने पहचाने अंकल के पास जाओ और ये हीरे देके पैसा लेके आओ। बच्चा जाता है, हीरा दिखाता है, तो वो सेठ ने बोला अच्छा बेटा तू मेरे फ्रेंड का बेटा है, ये मैं रख दा तुझे, तुझे तू मेरे साथ नौकरी के नौकरी पर लग जा। उसको नौकरी पर लगा दिया और दो चार पांच साल में तो वो एक्सपर्ट हो गया डायमंड में, इतना एक्सपर्ट हो गया, और वो एकदम होशियार था बच्चा। 5 साल के बाद में वो सेठ ने वो हीरा निकाला और बताया कि देख बेटा ये तू मुझे बता दे कि ये क्या है। बोला अंकल जी ये तो सब कांच के टुकड़े हैं। बेटा ये कांच के टुकड़े को हीरा मानकर तू मेरे पास लाया था 5 साल पहले, मैं तुझे कैसे कहता कि ये कांच के टुकड़े हैं। आज तुझे तेरे में पहचान करने की पात्रता हो गई है, अभी तुझे मालूम हुआ कि तेरे पास कुछ नहीं था। इस तरह से तेरे में पात्रता जो नहीं आई है, पात्रता नहीं आई है, तो तू मोक्ष मार्ग पर कैसे चलेगा। तो पात्रता तो तुझे यहां खिलवट करना ही पड़ेगा, जो पात्र नहीं होगा तो तेरा कार्य नहीं होगा। पात्रता है नहीं, फिर भी मानता है कि वह ज्ञाता दृष्टा है, वह साक्षी है। तू कैसे भला साक्षी हो गया, कैसे ज्ञाता दृष्टा हो गया, तू कौन से गुण स्थानक पर है। पहले गुण स्थानक पर हूं, तो पहले गुण स्थानक पर मिथ्यात्व है, हाँ है। एक एक समय पर मिथ्यात्व का बंधन होता है, हाँ होता है। तो वहां तू ज्ञाता दृष्टा कैसे हो गया, पर में अपनापन करके तू बैठा है और यहां बोलता है मैं ज्ञाता दृष्टा हो गया। अरे दो शब्द तूने सुन लिए और तू ऐसे बोलने लगा बस हम तो ज्ञाता दृष्टा हो गए। भाड़ में जाए तेरा ज्ञाता दृष्टा, क्योंकि तुझे समझ नहीं आया है कि ज्ञाता दृष्टा का सच्चा स्वरूप क्या है। बस कुछ बुक में से पढ़ लिया तो बोलने लगा मैं तो ज्ञाता दृष्टा हो गया, तो ये तुझे समझना पड़ेगा। अच्छा, परमात से इस बात सच्ची है, जब परमात से ये सब ज्ञान ज्ञान की बात सभी सच्ची है, जब ज्ञान भाव को भाव कर, ये ऐसा कैसा कैसा शब्द है, ज्ञान भाव को भाव कर, यानी कि तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है ऐसा अनुभव कर, तब तू जो कुछ बोलेगा वो सच्चा होगा। तू सम्यक दर्शन करेगा, बाद में तू जो कुछ कहेगा वो सच्चा कहलाएगा।
दो आदमी है, एक मिथ्या दृष्टि है एक सम्यक दृष्टि है। सामने एक कुछ पड़ा है, मिथ्या दृष्टि ने बोला कि वो रस्सी है, सम्यक दृष्टि ने बोला कि वो सांप है। फिर से, सामने कुछ पड़ा है, मिथ्या दृष्टि जी ने बोला रस्सी है, सम्यक दृष्टि बोला कि ये सांप है, और सच्चाई में वो रस्सी ही थी। तो क्या मिथ्या दृष्टि का ज्ञान सच्चा हुआ और सम्यक दृष्टि का ज्ञान झूठा हुआ? नहीं, वहां पर भी सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सांप कहता है, फिर भी उसको सम्यक ज्ञान है। और जो रस्सी को रस्सी कहता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को मिथ्या ज्ञान कहा गया। ये कैसी बात है? हाँ, ये ऐसी बात है। सम्यक दृष्टि जीव ने हाँ वो रस्सी को सांप माना था, मगर परमार्थ से वो जीव ने मैं आत्मा हूं और आत्मा के सिवाय सभी वस्तुएं अनात्मा है, ऐसा ज्ञान है उसके पास। इसलिए वो उसको पर वस्तु का करीबन रॉन्ग ज्ञान होगा, खोटा ज्ञान होगा, तो भी उसको सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि को रस्सी को रस्सी कहता है, रॉकेट साइंटिस्ट है, सबसे ज्यादा मेडिकल साइंटिस्ट है, कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, पर का ज्ञान है। स्व के ज्ञान के बिना पर का ज्ञान की कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, 10 फ्रेंड नदी पार करके आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सभी ने 9 गिना और रोने लगे कि एक निकल गया, कौन निकल गया मालूम नहीं है। तो क्या ये सच्चा ज्ञान था? अपने को नहीं जाना, जाननार ने जान नहीं कहिए केवु ज्ञान, आगे गाथा में आएगा, आत्मसिद्धि की गाथा में श्रीमद जी ने लिखा है। अपने को जो पहचानता नहीं है तो वो दूसरे की पहचान क्या करेगा? एक कोर्ट में केस हुआ था, कोई खून का केस था, और एक आई विटनेस आ गया। तो आई विटनेस आ गया तो अजी कोर्ट का टाइम खत्म होने वाला था, तो जज ने बोला कि आपने देखा था? हाँ, मैंने सब देखा था। तो बराबर देखा था? हाँ, बराबर देखा था। चलो तेरी जुबानी लेंगे, मगर आज का टाइम खत्म हो गया है, तो तू अपना नाम पता सबको दे दे, तो कल तेरे जब तेरा टाइम आएगा हम तुझको बुलाएंगे और तू जुबानी देना। क्या नाम है तेरा? मालूम नहीं है। कहाँ रहते हो? मालूम नहीं है। टेलीफोन नंबर क्या है? मालूम नहीं है। कौन से सिटी में रहते हो? मालूम नहीं है। तो ये क्या जुबानी देगा जिसको अपना ख्याल नहीं है? तो वो दूसरे की जुबानी क्या देगा? तो ज्ञान भाव को भाव कर, भाव को यानी कि उसको अनुभव करके, ज्ञान को अनुभव करके, परमार्थ को जो समझ लिया है, मैं कौन हूं, हूँ कौन छू, क्या थी थयो सु स्वरूप छे, मारू खरु को ना संबंधे वड़गणा छे राखु के परिहरु। तो तू परमात्मा को तू समझा है, परमात्मा तो मैं मेरा सच्चा स्वरूप क्या है वो तू समझ गया है, अंतरंग में स्वरूप का वेदन किया है। देखो, कोई कहता है कि हमने तो परमात्मा समझ लिया है, परमात्मा समझ लिया है। अरे, परमात्मा समझ लिया यानी कि आत्मा की अनुभूति हो गई है। आत्मा की अनुभूति जिसको हुई है उसको अतीन्द्रिय ज्ञान की भी अनुभूति होती है। ज्ञान और आनंद का अविनाभावी संबंध होता है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आनंद है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण है और सुख गुण है, दोनों है। ज्ञान का
विपरीत परिणमन तो आनंद गुण का विपरीत परिणमन, ज्ञान का विपरीत परिणमन अज्ञान, तो आनंद गुण का विपरीत परिणमन व्याकुलता आकुलता, ज्ञान का सच्चा परिणमन सम्यक ज्ञान, तो आनंद गुण का सच्चा परिणमन अतीन्द्रिय आनंद। दोनों अविनाभाव है, एक होगा दूसरा होगा, एक एक मिथ्या ज्ञान है तो दूसरा भी मिथ्या होगा। तो अंतर में स्वरूप का वेदन भी उसका जो हुआ है ज्ञान और आनंद का, और राग को, क्योंकि अभी तो तुझे अंदर में स्वरूप का वेदन है कि चतुर्थ गुण स्थान कभी हुआ है, भूमिका अनुसार राग होता है चतुर्थ गुण स्थानक में, अप्रत्याख्यान वरुण का राग होता है, पंचम गुण स्थान का प्रत्याख्यान वरुण का राग होता है, छठे सातवें गुण स्थानक में संज्वरण कषाय का राग होता है, ये राग होता है, मगर राग को गौण किया है, राग को गौण किया है। ये जब ऐसी तेरी दशा है तब तू जो कुछ बात करेगा वो सच्ची बात होगी। अरे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के पास जो मुख है, जो जो कोई कोई प्रवचन भी नहीं देते हैं, मगर उनके पास बैठने से भी तुझे शांति की अनुभूति होती है। तो इस तरह से जो सच्चा ज्ञान है वो कुछ भी बोलेगा तो वो परमात्मा से ये सच्ची सभी सच्ची बात है, जब इतनी आंतरिक परिणमन जिसको हुआ है उसकी बात यहाँ हुई है। संसार में अभी शुष्क ज्ञानी पर आते हैं, संसार में मोह वर्तता है और कहता है कि आत्मा को जानता है, जैसे हमने अभी कहा आत्मा को जिसने जाना, आत्मा को जिसने अनुभव किया उसने आत्मा को जाना है। बच्चा बैठा है, पिताजी कहते हैं बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है फोन पर, और पिताजी ने बोला बेटा पानी लाओ, आहा 3-4 मिनट बेटा पानी लाओ, आहा फिर से 3-4 मिनट, सुनते नहीं हो, मैंने कहता हूं पानी लाओ पानी लाओ, कुछ सुनता नहीं है। पिताजी गुस्से मत हो, आपने 3 दफा बताया, पहली दफा सॉफ्टली बोले, दूसरी दफा फॉर्मली बोले, तीसरी दफा गुस्से में बोले, तो मैंने सुना आप क्या कहते हैं। तो क्या उसने सुना कि नहीं सुना? बच्चा ने सुना, अनसुना कर दिया है, उसने सुन लिया मगर उसने एक्शन नहीं किया तो उसको सुना नहीं कहेंगे। जब मैं आत्मा को जानता हूं, हाँ मैं शास्त्र पढ़ के, मैं तो एक्सपर्ट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास शास्त्र है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास सब कुछ है, बस मैं पढ़ सकता हूं, मैं जान सकता हूं सब कुछ, जान लिया सब कुछ, मगर आत्मा की अनुभूति नहीं किया है, तो वो ऐसा बच्चा वाला है जिसने सुना था मगर एक्शन नहीं किया था। तूने शास्त्र पढ़ लिया मगर शास्त्र का मर्म नहीं जाना है, शास्त्र का मर्म अनुभूति है। वो अनुभूति का कितना पराकाष्ठा के स्वरूप कुनकुन आचार्य देव बताते हैं, 9-10 गाथा में समयसार में बताते हैं। सुत केवली किसको कहेंगे, 11 अंग और 14 पूर्व का जिसको ज्ञान है उसको सुत केवली कहते हैं। भगवान को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान में सारा विश्व और अपने आत्मा को भूत भाई वर्तमान के रूप में समस्त रूप में राग रहित जो देखता है उसको केवली कहा, केवल ज्ञान कहा। और जिसको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, सुत ज्ञान ही है, मगर सुत ज्ञान में 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान है उसको सुत ज्ञान कहा, सुत ज्ञानी कहा है, सुत केवली कहा है, सुत केवली, श्रुत का केवली हो गया है।
ग्यारह अंग चौथ पूर्व का ज्ञान हाँ होगा। अरे क्या होगा, तुझे तो 142 गाथा आत्मसिद्धि की मुखपाठ हो गई, तो तू जानता है कि तू विश्व में सर्वोपरि है, सब कुछ जानता है। अरे तूने कुछ अनुभव नहीं किया है तो तू कुछ जानता नहीं है। 142 गाथा मुखपाठ हो गई तो क्या, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, क्योंकि 11 अंग चौथ पूर्व में पहला अंग है आचारंग सूत्र, 18,000 चैप्टर्स, एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक। कोई कंप्यूटर वाला है गिनती करके मुझे बता दो कितना होगा टोटल श्लोक। इतने श्लोक तो आचारंग सूत्र में है। सुत कुतांग सूत्र नेक्स्ट है, उसके 36,000 चैप्टर और एक एक चैप्टर 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक। इस तरह से 11 अंग आते हैं और 14 पूर्व आते हैं। अभी हिसाब लगा दो कितने श्लोक हो गए। ऐसे मुख पाठ करने वाले को सुत केवली कहते हैं, और सुत केवली होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। वो इतना बताकर, कुनकुन आचार्य ने इतना बताकर दूसरी तरफ पलटी करके बताया कि अरे तूने आत्मा को जाना, आत्मा को पहचाना, आत्मा की अनुभूति करा, हाँ मेरी हो गई है आत्मा की अनुभूति, तो तू श्रुत केवली है जा। अरे मुझे तो कुछ मुखपाट नहीं है और वो श्रुत केवली में कैसा कहलाऊंगा। तो कहते हैं कि 11 अंग 14 पूर्व का जो ज्ञान है उसको एसेंस करके एक सेंटेंस में कहना है तो आत्मा की अनुभूति, उसको हम वो ही सेंट्रल पार्ट है, तो तूने आत्मा की अनुभूति कर ली है तो तू शुद्ध केवली है। तो आत्मा की अनुभूति जानना और अनुभूति करना शुद्ध केवली कहा गया। यहां तो ये जानता है बस मुखपाठ हो गया मगर अनुभूति नहीं किया है। कहता है कि आत्मा में राग द्वेष नहीं है, आत्मा में राग द्वेष नहीं है क्योंकि आत्मा में जो राग द्वेष होते हैं वो तो अशुद्ध पर्याय है और अशुद्ध पर्याय का आत्मा में एंट्री नहीं है। आत्मा को क्यूब के रूप में देखो, तीन साइड क्यूब देखो तो तीन साइड होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन करो तो घनफल निकलेगा, यानी कि सॉलिड हो जाएगा वो पीस, लकड़े का पीस हो या तो आयरन का पीस हो। इस तरह से आत्मा में भी विज्ञान घन है, विज्ञान घन है यानी कि लंबाई में अनंत काल लगा दो, अनंत काल की समय की पर्याय लगा, अनंत काल के समय लगा दो भूत भविष्य वर्तमान के। चौड़ाई में आत्मा के असंख्यात प्रदेश रखो और ऊंचाई में आत्मा के अनंत गुण रखो, अनंत गुण असंख्यात प्रदेश और अनंत काल के समय, तीनों की मल्टीप्लिकेशन किया तो आत्मा विज्ञान घन हो गया। इसमें किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती है, तो आत्मा में राग द्वेष की एंट्री नहीं हो सकती है। हमारे एक वडिल थे गमन काका करके, यहाँ पर बहुत साल रहे हैं और मुझे बहुत बहुत आनंद आता था उनके साथ चर्चा करने में। वो बोलता है कि आत्मा में राग द्वेष की नो एंट्री लिखा है, नहीं आत्मा में आता है क्योंकि आत्मा विज्ञान घन है। तो इस तरह से मुझे ज्ञान थोड़ा हो गया, मैं आत्मा में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, चलो अच्छा मुझे खाने की भूख लगी है, अच्छा खाना दे दो। अरे आज अच्छा खाना नहीं बना है, राग द्वेष तो करता है और बोलता है कि आत्मा में राग द्वेष नहीं है, तो मुख में राम बगल में छुरी, इस तरह से तेरा कार्य हो रहा है और तू स्वच्छंदी बनता रहा है।
स्वच्छंदी तू अपने मत अनुसार चलता है, जो भी तेरे मन में आए इस तरह से चलता है, कोई राइम और रीजन कुछ नहीं, बस जैसे मन में आया आज ऐसा बोल दिया कल ऐसा बोल दिया, जो भी मन में आया बोल दो। अज्ञानी जीव को पुण्य तत्व की समझ नहीं है, अज्ञानी जीव को पुण्य तत्व की समझ नहीं है। मैं पुण्य करता हूं पुण्य करता हूं, मगर पुण्य क्या है तू समझ, समझना जरूरी है पुण्य का स्वरूप। तो पुण्य का स्वरूप को दो हिस्से में बांटा है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य यानी कि क्या, देखो शब्द में अब संधि निकालो, पुण्य अनुबंधी पुण्य, पुण्य का बंद करे ऐसा पुण्य, यानी कि आज मैं पुण्य की कार्य कर रहा हूं और उससे मुझे पुण्य का बंधन हुआ, नए पुण्य का बंधन हुआ। आज मैं व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय इत्यादि करता हूं, पुण्य की क्रिया करता हूं और उससे मुझे पुण्य का बंधन हुआ, तो उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहेंगे। पुण्य का बंधन करने वाला पुण्य, तो ये सम्यक दृष्टि का पुण्य है। ये कैसे होगा, क्योंकि जब सम्यक दृष्टि जीव जो हुआ है, सम्यक दृष्टि जीव जो पौर से अलग हुआ है, शरीर से अलग हो, आत्मा के सिवाय सभी अनात्मा है, ऐसा जिसको समझ में आ गया है, अनुभूति में आ गया है, श्रद्धान में आ गया है, चारित्र में आ गया है, ऐसे जीव पौर के साथ एकत्व नहीं है, पौर के साथ मिथ्यात्व का संबंध नहीं है, पौर के साथ एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव नहीं है, ऐसे जीव कोई भी क्रिया करता है, पुण्य की क्रिया करता है, तो उसको पुण्य का बंधन, नए पुण्य का बंधन होगा। वो निदान रहित होने से उस ये जीव को एक ही तमन्ना लगी हुई है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरा मुक्ति ही मेरा स्वरूप है। जैसे शेर ने बस्ती बस्ती में आकर कोई मानवी को मार दिया और मनुष्य का खून पी गया, तो अभी हर रोज बोलता है वो शेर, मुझे मनुष्य का खून चाहिए। ऐसी उसकी तीव्र इच्छा रहती है। इस तरह से यहाँ जो सम्यक दर्शन जिसको हो गया है, वो समझ गया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर में मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरी अज्ञानता से, मेरी अस्थिरता के राग से कर रहा हूँ, भूमिका के अनुसार के राग से मैं कर रहा हूँ, मगर वो करने लायक मेरा कार्य नहीं है। तो ये निदान रहित होने से, निदान यानी कि फल की इच्छा उसको नहीं है, तो पुण्य का बंद करना, पुण्य का बंद हो गया, मगर उससे मुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। अरे वो तो संयोगी सुख है, स्वर्ग का सुख संयोगी सुख है, वो सुखाभास है, मुझे तो आत्मिक सुख चाहिए, यानी कि उसको वो उसके उसका कार्य निदान रहित होता है। तो निश्चय धर्म की ओर झुका है, निर्जरा मोक्ष का परंपरा कारण होता है। ये जो सम्यक दृष्टि जो पुण्य की क्रिया करता है, पुण्य का कार्य करता है, तो वो निदान रहित होने से वो निश्चय धर्म की ओर झुका है। कैसे मैं अपने भाव में जाऊं, वो ही उसकी झंखना होती है। और इसलिए जो कुछ पुण्य हुआ और जो भविष्य में भी पुण्य का फल आएगा, तो उससे अपने आत्मा में जाने का प्रयत्न
तीव्रता से करता रहेगा, इसलिए ऐसे पुण्य को परंपरा कारण कहा है। पुण्य को परंपरा कारण सम्यक दृष्टि जीव को कहा है। तो हम ये सब ऐसे पाठ लेके बोलते हैं, अरे पुण्य का तो पुण्य तो निजर मोक्ष का परंपरा कारण है, चलो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। करना 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 यानी मरना, करना यानी कि कोई पर वस्तु का मैं कुछ कर दूं, ऐसी मान्यता जो होना वो तेरा गाढ़ मिथ्यात्व है, अनादिकाल मिथ्यात्व है। तो क्या मुझे कुछ पर का कुछ करना नहीं? अरे करना नहीं होता, वो हो जाता है। तुझे सम्यक दर्शन हुआ तो तू क्या पाप की प्रवृत्ति करने जाएगा? तो तेरे में शुभ भाव की पराकाष्ठा ही रहेगी, मगर वो होता जाता रहे, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो अभी सामने देखे पापानुबंधी पुण्य कौन होता है? पाप का बंधन करने वाला पुण्य। जो पुण्य मैंने अभी पुण्य में पुण्य की क्रिया करता हूं उससे पाप का बंधन होता है, नया बंधन होता है, वो मिथ्या दृष्टि का पुण्य होता है। वो निदान सही तो था, ये ऐसा मैं करूं तो मुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा, ये प्रलोभन से मैं करता रहता हूं, तो ये प्रलोभन निदान सहित होता है, तो इसलिए वो पाप वो पाप का बंधन करने वाला है, साक्षात रूप से स्वर्ग का और परंपरा से कुगति का कारण है। साक्षात रूप से या पुण्य, तूने बहुत पुण्य किया, दया दान व्रत तप जप भक्ति किया तो स्वर्ग में जाएगा, मगर वो तो संसार में चलने वाला है। त्रस नाड़ी में जब तू आया है, अनादि से तू एक निगोद में था, अनादि से और अभी तू वहां से निकल कर त्रस नाड़ी में, अब एकेंद्रिय में से निकल कर तू अभी दोएंद्रीय तेंद्रीय चौरेंद्रीय पंचेंद्रीय संगनी पंचेंद्रीय मनुष्य देव नारकी पशु ऐसा जो तो होता है, तो ये तू त्रस नाड़ी में आया है। दोएंद्रीय से पंचेंद्रिय तक के मनुष्य जीवों को त्रस नाड़ी वाला जीव कहा है, और त्रस नाड़ी का जीवन 2000 सागर वर्ष का होता है। एक सागर यानी कि असंख्यात वर्ष, करोड़ करोड़ अब्बज अब्बज असंख्यात वर्ष, ऐसे 2000 सागर तक में त्रस नाड़ी में रह सकता हूं। देखो तुझे स्वर्ग मिला ना, तो स्वर्ग में ज्यादा से ज्यादा कितना तुम बहुत पुण्य किया है तो सबसे ज्यादा 33 सागरों पर तू रह सकता है। ऐसे तो कोई सम्यक दृष्टि जीव की ही बात है, मगर तेरा पुण्य है तो तू जाएगा मिनिमम 10,000 वर्ष, मैक्सिमम 33 सागरों पर। बट 2000 सागर का टाइम पूरा हो गया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो तू जाएगा निगोद में, और वहां 2.5 पुद्गल परावर्तन मीन्स अनंत 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 काल तू रहेगा। जो 2000 सागर का टाइम बताया और 2.5 पुद्गल परावर्तन की बात बताई, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन को समुद्र का पानी की उपमा ले लो और 2000 सागर को एक बिंदु की उपमा ले लो। ऐसे मनुष्य जीवन जो मुझे मिला है वो मैं गंवा देता हूं, सम्यक दर्शन लेने का प्रयत्न नहीं करता हूं, तो अल्टीमेटली ये स्वर्ग के सुखों पे जाकर परंपरा से मैं कुगति यानी कि निगोद में चला जाऊंगा। जब ये पुण्य की बात होती है, एक पुण्य की बात का एक पॉइंट भी याद आता है यहाँ पर, तो ये भी ले लेते हैं। पुण्य 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 जो हम कहते हैं,
तो पुण्य की बात थोड़ी ज्यादा करते हैं कि भी पुण्य में क्या आता है। चलो ये पुण्य मैंने यहाँ किया और ये भी यहाँ पुण्य किया, तो ये सम्यक दृष्टि का पुण्य हुआ और ये मिथ्या दृष्टि का पुण्य हुआ। तो क्या होता है पुण्य का? देखो, मिथ्या दृष्टि को जो पुण्य होता है ना, उसका जब उदय आएगा ना, तो मंद रूप से आएगा और लंबा काल चलेगा। वाह, बहुत बढ़िया बात है। मंद रूप से आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। अच्छा, मुझे बहुत मजा आ गया, इसलिए तो मैं पुण्य की क्रिया करता हूं। और जो सम्यक दृष्टि का पुण्य है, वो तीव्र उदय आता है और शॉर्ट टाइम का रहता है। तो क्या करेंगे हम, बोलो? हमको थोड़ा थोड़े पैसे, ये लॉटरी जैसा है, ये लॉटरी आज तू ले ले तो टैक्स वैक्स कटा करके थोड़े से पैसे मिलेंगे, और तू इंस्टॉलमेंट से लेगा तो कंटिन्यूस आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो मंद पुण्य का उदय लंबे टाइम पर चला रहेगा, बराबर? अच्छा, सबसे ज्यादा पुण्य है तो वो पुण्य का उदय 20 करोड़ा क्रोड़ी सागरोतम तक आ सकता है। अच्छी बात है, बड़ी बात है। 20 करोड़ा क्रोड़ी सागरोतम तक मेरा मंद पुण्य आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, बड़ी बात है। मगर तू त्रस नाड़ी में कितना टाइम पर रहने वाला है? 2000 सागर टाइम तक ही तू रहने वाला है। और ये पुण्य का उदय 20 करोड़ा क्रोड़ी, करोड़ा क्रोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़, तब तक ये पुण्य का उदय आ सकता है। मगर तू जो तू त्रस नाड़ी में आया है, 2000 सागर से तू ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो ये पुण्य तेरा 2000 सागर से ज्यादा नहीं चलेगा। और जब तू निगोद में जाएगा तो ये पुण्य संक्रमण होके पाप के रूप में आ जाएगा। अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरा पुण्य भाग गया तो हम क्या करें? तू समझता नहीं तो हम क्या करें? ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं हमको। अच्छा, तो अभी ये सम्यक दृष्टि के पुण्य की बात करते हैं। तीव्र उदय और शॉर्ट टाइम रहता है, शॉर्ट टाइम रहता है, मगर जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ है वो अभी अपने पुरुषार्थ की तीव्रता करेगा और आगे बढ़ेगा। चतुर्थ गुणस्थान के पंचम, पंचम से छठवें सातवें गुणस्थान, बाद में सीढ़ी लेकर क्षपक श्रेणी लेकर ग्यारहवें गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान और निर्वाण। तो उसका पानी पुण्य अभी उदय में आ रहा है, मगर ये पुण्य उसको भुगतने का टाइम आया, उसके पहले तो उसका निर्वाण हो गया। अनंत साधि, अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत काल तक ये अपने अतीन्द्रिय आनंद में, निज आनंद में रहेंगे, वो यहां पुण्य की जरूरत नहीं है। तो दोनों तरफ से देखो तो ये पुण्य का स्वरूप है। यानी कि मुझे पुण्य नहीं करना यार, तो मैं अब आज से पाप की प्रवृत्ति करूं? देखो, यहां ऐसा नहीं कहा है कि तू पाप की प्रवृत्ति कर। तू जो प्रवृत्ति करता है, शुभ प्रवृत्ति करता है, मगर उसमें तू अभिमान मत ले, उसमें अपनापन मत ले। वो ही तू करेगा, मगर उसमें अपनापन नहीं लेने का है। डोनेशन दे दिया, दे दिया, मगर मेरा नाम बराबर लिखा गया कि नहीं, मेरा स्पेलिंग बराबर है कि नहीं, जो उसने अनाउंस किया था मेरा नाम शाह की जगह मेहता क्यों बोल दिया, तो तूने डोनेशन देने का था या तो तेरे नाम के पीछे तो पड़ा था? फिनिक्स में हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट है, मंदिर में
कोई भी मूर्ति पर, कोई भी जगह पर किसी का नाम नहीं है। जब मूर्ति पर प्रशस्ति लिखी जाती है तो इसमें फैमिली का नाम, किसने डोनेशन, सबका नाम भी आ सकता है। हमारी कम्युनिटी ने तय किया था कि तो तूने दान दिया है ना, तो तू तेरा नाम की तू क्यों फिक्र करता है। तो इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा कि हो जाता है, कार्य हो जाता है, उसके साथ क्रोध मान माया लोभ अथवा तो शुभ अशुभ भाव तुझे करने की जरूरत नहीं है, बस हो जाता है। इस तरह से यह हम पुण्य की बात समझते हैं। नहीं करना ऐसा नहीं, तेरी मान्यता की बात है कि तुझे क्या करना है। हर रोज सुबह में तू टूथब्रश करता है, क्या तू फेसबुक में लिखता है कि भाई किरेट गोसाले ने आज सुबह में टूथपेस्ट किया और पिक्चर भी सेल्फी लेके ले दे, पिक्चर बता दिया, गुड मॉर्निंग किरेट गोसाले ने आज सुबह में टूथब्रश किया, क्या तूने ऐसा अनाउंस करता है। हो जाता है, नॉर्मल है, उस प्रक्रिया को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, मेरा ग्रांड की जाता है, उसको याद दिलाना पड़ता है, अरे बेटा तूने आज ब्रश किया, ओ नहीं किया, चलो चलो जल्दी भागो भागो, हाँ चलो आज आ, तो उसको बताने की जरूरत है। मगर तू तो अभी ज्ञानी हो गया है तो क्या तुझे बताना पड़ेगा कि तुझे इतने पुण्य किए, इतने पुण्य किए। अरे हो जाता है, रूटीन हो जाता है। दाहिने हाथ को मालूम नहीं पड़ता बाएं हाथ में क्या कार्य किया है। इस तरह से तेरी वर्तणूक होनी चाहिए, तेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये प्रवचन सार ट्रांजा 255 में ये दिया गया है, तो रेफरेंस के लिए आपको देखना है तो 255 गाथा प्रवचन सार की है। इसमें पुण्य की बात, पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी पुण्य की बात आई है। अच्छा, ज्ञान का क्षयोपशम। देखो अभी नए नए शब्द भी आएंगे तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि तू हम शास्त्र पढ़ेंगे, ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव, ऐसा सब कोई आएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा ये आचार्य भगवान कहने का उनका मतलब क्या है। तो ज्ञान का क्षयोपशम शब्द में तीन वस्तु आती है, क्षय, उपशम और उदय। कर्मों में तीन पार्ट आएंगे, क्षय, उपशम और उदय, और उसके कॉम्बिनेशन से जो भाव होता है उसको क्षयोपशम भाव, क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। शांति रखना, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि ये क्योंकि मैं शास्त्र पढ़ता हूं मुझे मजा नहीं आती है, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं, ये शब्द का अर्थ मुझे मालूम नहीं है, तो ये ग्रीक एंड लैटिन लगता है, चलो रख दो साइड में। नहीं, ये मेरी बात है, मेरी आत्मा की कहानी है, वो मुझे जानना पड़ेगा और उसके लिए जो कुछ बेसलाइन तैयारी करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। तो क्षयोपशम शब्द में यानी कि ज्ञान का उगाड़, ज्ञान का कितना उगाड़े उसका नाम ज्ञान का क्षयोपशम। अरे उसको ज्ञान का तीव्र क्षयोपशम है, श्रीमद जी को ज्ञान का तीव्र क्षयोपशम था, यानी कि तीव्र ज्ञान का उदय था। तो इस तरह से, और जो मास्तुस मुनि थे, मास्तुस मुनि जो उनको कुछ भी ज्ञान याद नहीं रहता था, तो उनको कुछ मालूम नहीं रहता था, उनके गुरु ने बहुत बताया मगर समझ में नहीं आता था, तो गुरु ने बाद में बोला भाई तुझे कुछ आता नहीं है, तू निकल जा संग में से, तो वो खिन्न होके निकल रहे थे और बोलते थे कि अरे मैंने मेरे गुरु को कितना नासी पास किया, मैं कैसा कितना अभागी हूँ। ऐसा चलते चलते गांव में आए तो एक उरद को छान रही थी एक बाई बहन जी, तो बोला कि ये क्या है,
तो मैं उड़द को छानती हूँ, कचरा फेंक देती हूँ और उड़द रखती हूँ। कचरा फेंक देती हूँ, उड़द को रखती हूँ। तो मेरे गुरु ने कुछ ऐसा कहा था, शरीर को कचरा है और आत्मा तेरा तेरा इम्पोर्टेंट है। तो कचरे को उड़द को मांस हिंदी में कहते हैं और छिलका को तुस कहते हैं। तो मांस तुस करके वो बैठ गए समाधि में, केवल ज्ञान लेके उठे। उनका ज्ञान का क्षोभ कम था, ज्ञान का समझ कम थी, तो ज्ञान का क्षोभ कम था। जिसको ज्ञान की तीव्र उदय है, ज्ञान का उदय तीव्र है, उसका ज्ञान का क्षयोपशम तीव्र है ऐसा कहा जाता है। मगर क्षयोपशम शब्द में क्षय उपशम, क्षय उपशम और उदय, ये तीन शब्द आते हैं। ये तीन शब्द का विश्लेषण किस तरह से होता है, थोड़ा डिटेल होता है। अभी यहाँ पर उसका अवकाश नहीं है, तो इतना ख्याल रखना। क्षयोपशम शब्द आए तो इसमें तीन होता है, और कभी आगे जब बढ़ते जाएंगे तब ये उस या शब्द आएंगे। अभी मैं कह सकता हूँ, मगर गाथा में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और धीरे धीरे इतना जानना अभी जरूरी है कि ज्ञान का क्षयोपशम, तीव्र ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान की तीव्रता, मंद ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान की मंदता। बस उतना समझो तो इसमें तीन शब्द आते, क्षय उपशम उदय। क्षय यानी कि निकल जाना, उपशम यानी कि दबा देना, और उदय यानी कि जब उसका अभी उदय होता है कर्मों का। तो ये तीन आते हैं, कभी आगे बढ़ेंगे तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये आएंगे फिर से, तो तब उसकी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी लेशिया की बात आती है, ये नए नए शब्द आते, पहले हम तैयारी करते हैं कि ये क्या आता है। लेशिया शब्द आता है, नेक्स्ट स्लाइड पर आएगा। तो लेशिया क्या है? आत्मा के कषाय अनुरंजित परिणमन को लेशिया कहा गया है। फिर से, आत्मा के कषाय अनुरंजित परिणमन, उसको लेशिया यानी कि कलोरेशन के नाम से बताया गया है। छह तरफ की लेशिया बताई है, शुभ लेशिया शुक्ल पित्त और पद्म, अशुभ लेशिया नील कापोत कृष्ण। यानी कि आत्मा के कषाय अनुरंजित परिणमन, जो मेरे में कषाय होते हैं, तीव्र कषाय होते हैं, मंद कषाय होते हैं, तो मंद कषाय में शुभ भाव होता है, तो शुभ भाव में तीन प्रकार के शुभ भाव होते हैं, पद्मलेशा पित्तलेशा और शुक्लेशा। अशुभलेशा में तीन परिणाम हो सकते हैं कि नीललेशा कापोतलेशा कृष्णलेशा। तीर्थंकर प्रभु तीसरे भाव में, तीर्थंकर होने के तीसरे भाव में एक 16 कारण की भावना भाते हैं। उनको मालूम हो गया कि अभी मेरी मुक्ति नजदीक में है, दो लाइफ के बाद में मेरी मुक्ति है, उनको मालूम हो गया है। तो वो भी हमारे हितकारक है ना, तो उनको ऐसा भाव होता है। सभी जीव करू शासन रसी, मेरी मुक्ति तो हो जाएगी, मैं मेरी मुक्ति के साथ में दूसरे अनंत जीव को भी मुक्ति क्यों ना हो, ऐसे उत्कृष्ट भाव, उत्कृष्ट शुभ भाव, शुभ भाव की पराकाष्ठा, उसको हम शुक्ल लेशिया के परिणमन कहेंगे। अच्छा, ये तो वॉर हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, मैं हिटलर हूं और 6 मिलियन लोगों को मार दिया है। अरे वो जूस मरने लायक ही थे तो मैंने मार दिए। एक तो मारा और मारने के बाद में ऊपर अभिमान किया, तो ये परिणाम अशुभ के परिणाम की तीव्रता, उसको कृष्ण लेशिया कहेंगे, काले कलर की लेशिया, ये व्हाइट कलर की लेशिया। और
इसमें तीन शुभ में भी तीन परिणाम होके शुक्ल से पित्त से पद्म हो सकते हैं, अशुभ में कृष्ण से कापोत से नील हो सकते हैं। इस तरह से कषाय अनुरंजित आत्मा के परिणमन को लेश्या कहा गया है। आगे की स्लाइड में हमने देखा कि क्षयक्षम की बात करी, यहां लेश्या की बात करी। क्यों ऐसा क्यों ऐसा हमको जानने के तैयार हुए? क्योंकि वर्तमान में ज्ञान का क्षयक्षम हुआ है। देखो अभी सब शब्द आया, अभी हमको मालूम होगा वो क्षयक्षम हुआ है ना, तो यानी कि वर्तमान में ज्ञान का उदय हुआ है, वर्तमान में ज्ञान का उदय हुआ है। मैं समी पंचेंद्रिय जीव हूं, पांच इंद्रिय वाला हूं, मन सहित हूं, तो सुत ज्ञान की पराकाष्ठा के में सुत ज्ञान की पराकाष्ठा तक मैं जा सकता हूं, ऐसा वर्तमान में क्षयक्षम हुआ है। ज्ञान की यानी कि ज्ञान का उघाड़ हुआ है। पूर्व में मंद कषाय किया था, देखो वर्तमान में क्षयक्षम ज्ञान का हुआ, वर्तमान ज्ञान का हुआ क्योंकि पूर्व में मैंने मंद कषाय किए थे, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम में मंदता करी थी, इसलिए वहां पर मैंने शुभ लेश्या के परिणाम किए थे। पूर्व में शुभ लेश्या के परिणाम किए थे तो पूर्व कर्म का उदय रूप प्रारब्ध हुआ है। जैसे मैंने शुभ लेश्या के परिणाम किए थे, शुभ कर्म का बंधन हुआ था और वो कर्म का उदय आया है, तो कर्म के उदय में अभी मेरे में ज्ञान की शुद्धता, ज्ञान की निर्मलता हुई है, ज्ञान का उघाड़ हुआ है। तो ये ज्ञान के उघाड़ के रास्ते से मैं अपने को अनुभूति की तरफ जाने लगूंगा। पूजा में आता है, बड़े भाग्य से नरतन पाया, जिन वाणी की राह मिली, जिन वर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली, श्रावक कुल पर्याय मिली। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, श्रीमद जी ने बताया, बहु पुण्य केरा पुंज सी शुभ देह मानव नो मड़ो, तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके तड़ो। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली, अरे मुझे जिनवाणी मिली है, अरियंत मेरे पिता, जिनवाणी मेरी माता, जिनवाणी तो मेरी माँ है। जिनवाणी की राह मिली, जिनवर जिनवर की पूजा, जो जिनवाणी के माध्यम से जिनवर क्या है वो समझने का मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है। ये अवसर मत गवाना भैया, ये अवसर मत गवाना, क्योंकि अपना कार्य इस भव में ही हो सकता है। सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, चारों गति में जो बेस्ट गति है वो हमारे पास है। अभी आप बोलेंगे देव गति अच्छी है, वहां तो सब कुछ मिलता है। अरे जब भगवान के ज्ञान कल्याणक की बात आती है, तीर्थंकर भगवान की दीक्षा कल्याणक की बात आती है, तो राजकुंवर महावीर और राजकुंवर ऋषभ जब अभी पालकी में बैठ के जंगल में जाएंगे, वो पालकी उठाने की बात जब देव और मानव में चर्चा होती है, तो देवो मानव का कहता है, अरे तुम तो क्या है, शुद्र शरीर वाले हो, भूखे तरप तरसे हो, आप शरीर आप में आपके शरीर में बहुत गंदगी भरी हुई होती है, ये सब कुछ होता है। देखो हमारा दिव्य शरीर है, हमारे पास वैभव है, हमने भगवान के पांच कल्याणक करे हैं। तो मानवों ने बताया कि अच्छे ऐसी बात है, तो आप तो स्वर्ग में हो ना, जाओ मोक्ष में डायरेक्टली पहुंच जाओ। तो देव कहते हैं, अरे भैया एक एक अंतर मुहूर्त के लिए हमको मनुष्य जन्म दे दो, क्योंकि मनुष्य जन्म का इंपॉर्टेंस है कि वहां से ही हम मोक्ष जा सकते हैं, तो
हमारे पास संयम नहीं है, संयम तो आप ही धारण कर सकते हो, इसलिए पालकी उठाने का हक आपका है पहला। इस तरह से ये मनुष्य जन्म की महत्ता है, मेरे पास है ये मनुष्य जन्म आया है, जिनवाणी की राह मिली है, जिनवर की पूजा मिली है, तो उससे बड़ा भाग्य मेरा क्या होगा। इस तरह से सोचकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं, कोई क्वेश्चन होते हुए लेते हैं। Any questions? You can unmute yourself if you have questions. हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ? That's good. बोलो। हाँ। कामदार आपका आवाज नहीं आता है मुझे। आप I don't have a question. हाँ, बोलो। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पर आया है, एक सेकंड। ओके, आ रहा है, चलो। इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन वी विल जस्ट डू द क्लोजिंग। ओके, ऑल राइट। जी, स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन्। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बाननी तेने सदा प्रणाम। देह चता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण माहो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भक्तन, जय जिनेन्द्र।